करीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वर्दा शुएब एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रिवायतों की लज्जत। कहते हैं कि सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र का राज कहीं ना कहीं खाने में छुपा होता है। जी हाँ, रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि अगर आपको अपनी अच्छी लंबी उम्र चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, तो आपको सेहतमंद खाना खाना और वक्त पे खाना खाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ सोसाइटी में आज कल सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका रीज़न हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हम सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि वो ना कहीं खाने से रिलेट करता है। जैसे भाई जनाब, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी तो कोई होती नहीं है। हाँ, ऑल्दो हम ये ज़रूर करते हैं कि हमारी लेट नाइट कार्विंग्स होती हैं, हम उसमें जो है फिर हम बर्गर्स खा लेते हैं, हम जंक फूड्स खा लेते हैं, या रात का खाना खाया तो फिर आपने वॉक नहीं की, वहीं बैठे के बैठे ही रह गए, लंबी सिटिंग्स हो गई और आपने ओवर ईटिंग भी कर ली। तो ये सब मसाइल कहीं ना कहीं जो है हमारी सेहत पे असरअंदाज होते हैं और जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं, हम ओबेसिटी, डायबिटीज़ और डिफरेंट बीमारियों के जो हैं वो शिकार हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हमारा एक छोटा सजेशन है आपको, एक छोटा सा मशवरा है, अच्छी बात है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी को जो है वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो है वो इंक्लूड करें। जब हम बात कर रहे हैं अच्छे खानों की और सेहतमंद खानों की, तो ऑफकोर्स हम लेके आए हैं आपके लिए एक और आज नई और मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन जो हमारी गेस्ट हैं आज, उनको हमने बुलाया है दोबारा से आपकी फरमाइश पे, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें पता चला था कि आपको उनकी रेसिपी बहुत पसंद आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक और रेसिपी उनकी आज आपके साथ शेयर की जाए। तो जनाब, मैं बुलाती हूँ हमारी गेस्ट को, जिनका नाम है अलवीना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अलवीना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप तो छा गई, आपकी रेसिपी इतनी पसंद की गई है हमारे शो पे और हमारे व्यूवर्स को इतनी पसंद आई कि हमने कहा कि क्यों ना एक और बार आपको जहमत दें और आपसे एक और आपकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो भी आपसे ली जाए। जरूर। तो अच्छा जनाब, देख के कुछ अंदाजा तो हुआ है कि बोनलेस चिकन में कुछ बन रहा जी। है, तो क्या बन रहा है बोनलेस चिकन में? अच्छा, मैं बना रही हूँ आज मलाई बोटी। एक्चुअली मलाई बोटी ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनती है, कुछ लोग स्क्यूवर्स पे बनाते हैं, कुछ लोग ग्रिल्स पे बनाते हैं, कुछ फ्राइंग पैन में बनाते हैं। तो मैंने इसकी रेसिपी ऐसी सिलेक्ट की है कि जो आपके स्टूडियो में इजीली बन जाए, यानी कि स्टूडियो में बनने का मकसद है कि घर पे भी आसानी से बने। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल सही। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमने आधा किलो बोनलेस जो है वो चिकन ली है। अब इसको बहुत सारे अच्छे अच्छे ज़बरदस्त मसालों में हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ से स्पून ले सकती हूँ? हाँ हाँ, आपका सेट है पूरा, आप जो चाहें आप ले सकती हैं। अब तो मैं सेट से बहुत फेमिलियर हो गई हूँ क्योंकि मेरा सेकंड राउंड है यहाँ पे। और आप मुझसे कह भी सकती हैं अगर आपको हेल्प चाहिए तो। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा, आपने क्या करना है, आधा किलो चिकन में 4 चम्मच जो है मैं इसमें दही डालूंगी, ठीक है? और आधा किलो चिकन में 4 स्पून आपने दही ऐड किया जी, बिल्कुल। और मैं इसमें 4 ही चम्मच डालूंगी क्रीम। okay. आपको ये टेट्रा पैक में बहुत अच्छी क्रीम मिल जाएगी। आप अगर घर पे बलाई बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये क्रीम जो है इसकी कुकिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, ऑयली ऑयली टेक्सचर अच्छा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मायनीज। जी अच्छा, ये अक्सर लोग जो है वो नहीं यूज़ करते, क्योंकि देखिए इससे ना इसका बहुत अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आएगा और टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मज़ीद क्रीमी जो कहते हैं ना कि मलाई बोटी, आपको पता है अलवीना कि मलाई बोटी, अच्छा पहले मैं सवाल है मेरा आपसे कि मलाई बोटी सिर्फ चिकन में ही बनाई जा सकती है क्या? अगर आप चाहें तो आप बाकी चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चिकन इतना सॉफ्ट और टेंडर होता है, उसके अंदर बहुत इजीली क्रीम और सारे मसाले जो है जज्ब हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है, अगर आप चाहें तो आप इसको मटन या बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन में इसका सिग्नेचर इस वजह से है, एज ए चिकन को इसका सिग्नेचर डिश इसलिए कहा जाता है मलाई बोटी के साथ, नाम से ही डिफाइन होता है कि मलाई बूटी, तो चिकन में वो टेक्सचर आता है कि जब आप उसको तोड़ें तो एक मलाई वाला एक सॉफ्टनेस और एक टेंडरनेस उसमें आए, तो आई थिंक इसलिए ज़्यादातर मेरे ख्याल से चिकन में बनाना बेटर है। अच्छा, अब इसमें बाकी और मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें आप यूज़ करेंगे वाइट पेपर, ठीक है? ये आप डालेंगे 2 चम्मच। अगर आप कम मिर्च पसंद करते हैं तो आप कोशिश करें कि 1.5 या 1 चम्मच, लेकिन हम लोग ज़रा थोड़ा तीखा खाना खाने वाले हैं तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया। यानी कि 2 चम्मच टीस्पून की बात कर रहे हैं? जी जी, 2 टीस्पून। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत कम नमक खाते हैं और कुछ लोग जो है बहुत अच्छा खासा ठीक नमकीन खाना खाते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून, आप हस्बैंड जायका डालिएगा, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाला।
अच्छा इसमें क्या करेंगे, हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है और साथ हमने क्या किया, हरी मिर्चें। मैंने क्या किया, एक साथ ही उनको ग्राइंड कर लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, इन तीनों का एक एक चम्मच, एक चम्मच हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, और हरी मिर्च कितनी ली आपने? हरी मिर्च मैंने चार ली थी। चार हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया, उसमें एक चम्मच टेबलस्पून या टीस्पून, आप टीस्पून डालेंगे, टीस्पून लहसुन और टीस्पून अदरक का इन्होंने एक साथ मिक्सर किया। अच्छा, भर के टीस्पून जो आपने डाला, ठीक है, ये मिक्सचर भी इसके अंदर चला जाएगा। सही, ठीक है, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि वो चिकन उसके अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अच्छा, इसकी मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, हम लोग जब पहले भी कभी बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं या मैरिनेशन वाली कोई बात आती है तो हमेशा कहते हैं कि आप ओवरनाइट मैरिनेट करें या फिर कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेशन को दीजिए, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो चाहे आपका गोश्त है या चिकन है उसमें अब्सॉर्ब हो जाए और उसका फ्लेवर अंदर तक आए। ठीक, अच्छा आपने क्या करना है, आप जब आप घर पे बनाएंगे तो आप कोशिश करें इसको 2 घंटे इसमें मैरिनेट करके रखें। अगर ओवरनाइट करते हैं तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल प्रॉपर मलाई बूटी वाला आपको टेक्सचर। एक्चुअली स्टूडियो में हमारे पास टाइम कम होता है तो मैंने इसको फौरन से झटपट बनाना है। ठीक है, अच्छा आप इसमें इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं करेंगी? सिर्फ नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च आपने ऐड करी, अदरक लहसुन और दही, क्रीम और मायनीज। ठीक है, ठीक, तो इसमें आपने जो है अभी सिर्फ काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, क्रीम, मेयोनीज और दही, दैट्स इट। अब इसको आप मैरिनेट करने के लिए, जी बिल्कुल, और नमक हसबे जायका, नमक हसबे जायका ऑफ कोर्स। अच्छा मुझे बताइए अल्वीना कि ये रेसिपी जो है ये आपने किसी से सीखी है या आपकी फैमिली में फेमस है या आपके हाथ की ये चीज फेमस है आपकी फैमिली में? या हम लोग कहीं रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अच्छा। तो मैंने इसे घर में आके जब ट्राई किया तो बच्चों को भी अच्छी लगी। अच्छा, तो अभी हम इसका फिर क्या करेंगे? अभी हम इसे थोड़ी देर यूं मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, इसको आपने मिक्स करके इसमें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको हम। अच्छा, आपको पता है, वैसे मुझे बताएंगे अलवीना, आपसे चलने में सवाल थोड़े से करती हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या बता सकती हैं कि ये बोनलेस चिकन के या बोनलेस खाने बनना कैसे स्टार्ट हुए और कहाँ से इसका हिस्ट्री जो है वो लिंक करती है कहीं ना कहीं से? कि हमारा मकसद सिर्फ आपको जो है वो रेसिपी देना नहीं होता, हम चाहते हैं कि हम आप तक थोड़ी सी नॉलेज की बातें ही बता सकें या उस रेसिपी की या कहाँ से वो रिलेट करती है या उसका बैकग्राउंड क्या है, हम ये भी चाहते हैं कि चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें, तो इसलिए हम थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू में जो है इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। तो बताइए ये सवाल का जवाब। अच्छा, मुझे हिस्ट्री तो सब चीज़ों की नहीं पता, ऑब्वियसली आप शेफ़ हैं, आपको तो मेरे से बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो हमें तो आपसे सीखने का मौका मिलता है, आप लोगों को देखते हैं, सीखते हैं, तो मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपकी बहुत सारी रेसिपीज से सीखती हूँ, तो ये चीज़ आप हमें गाइड करें कि आपको क्या लगता है कहाँ से इसका हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। देखिए, असल में इसका ये हिस्ट्री का बेसिकली तरीका, ये तरीका तो मैं नहीं कहूँगी कि बेसिकली जो बोनलेस चिकन करना जो स्टार्ट करी थी ये मुगल दौर में स्टार्ट हुई थी। ये मुगल दौर में स्टार्ट हुई थी क्योंकि मुगलिया टाइम के जो लोग थे वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे और उनके पास लिटरली खानसामाओं की जो है ना पूरी पूरी एक फौज हुआ करती थी। ठीक है, उनके जो शेफ्स कह लें या उनके कुक्स कह लें आप, वो इतने उनकी पूरी फौज होती थी, तो हर कोई चाहता था कि आज हम कुछ एक नई रेसिपी ट्राई करें, आज हम कुछ नया बनाएं ताकि बादशाह से उनको इनाम भी मिलता था। हाँ। इम्प्रेस करने की कोशिश की कि आज हमारी वाहवा, जैसे हम अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने की, हाँ, तो ये उनको वाहवा करने के लिए इम्प्रेस करते थे, तो वो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कोशिश करी थी कि वो बोनलेस चिकन बनाएं, चिकन की हड्डियों को अलग करके उन्होंने बोनलेस की चीज़ें बनाना स्टार्ट करी थी और इस तरह से ये चीज़ें जो है वो बढ़ते बढ़ते हम तक डाइवर्ट हुई और वहाँ से मलाई बोटी और इन सब चीज़ों का, क्योंकि यही मुगलिया एक रेसिपी की तरफ से बिलोंग करती है, इस तरह से ही हम तक पहुँची है जनाब। तो इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर आवर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और ब्रेक पे हम थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि मुगल दौर की बात चल रही थी जब हम ब्रेक पे जा रहे थे, तो हमने वही डिस्कशन कर रहे थे अभी हम। आपको पता होना चाहिए जब जो भी खाना आप बना रहे हैं या खा रहे हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है और ये कितनी आपकी हेल्थ के लिए जो है बेनिफिशियल है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम निकालना, हम चिकन जो है वो फिर से निकाल लेते हैं, हमने चिकन थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दी थी, ब्रेक पे हमने कुछ नहीं किया था क्योंकि हम चाहते थे कि हम तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके सामने करें
क्योंकि मलाई बोटी बनाना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा स्पाइसेस में 19-20 हो गया तो रेसिपी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, ये सब चीज़ें सिर्फ मसाला ऐड नहीं करना होता, एक ट्रिक्स होते हैं कुछ, तो वो ट्रिक्स अगर आप प्रॉपर फॉलो ना करो तो आपकी सारी डिश जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। अच्छा पता है कुकिंग इज एन आर्ट एज वेल, और दो इसमें थोड़ी सी साइंस भी शामिल होती है। जी बिल्कुल, किस तरह स्पेशली जो लोग बेकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं उनको ये बात पता होगी किस तरह से जो है वो हम विनेगर के साथ जो है बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ताकि उसका फिज बन जाए, देन फिर हम उसको अवन में रखते हैं। तो इस तरह से जो है वो दही के साथ आपने क्या मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है, नमक आखिर में डालना है या पहले डालना है, इससे भी जो है, या पहले आपने टमाटर ऐड करा, टमाटर चिकन भुनने के बाद ऐड करना है तो उससे भी आपको गलता टमाटर के पहले डालने नहीं, उससे फ्लेवर में भी फर्क आता है। अच्छा, अगर आप तेल में प्याज साथ पहले टमाटर फ्राई करें बाद में गोश्त डालें, और अगर पहले गोश्त भून लें मसाले डाल के फिर बाद में टमाटर डालें तो टेस्ट में वेरिएशन आएगा ही आएगा। ओह चलिए, एक अच्छी टिप आपने मुझे और दे दी। होता है नहीं, टिप नहीं, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन, इट्स जस्ट नॉलेज कि आप ये अगर ट्राई करें तो ये फर्क देता है रेसिपीज के अंदर। हाँ जी, हम कहाँ पे चल जी, हमने एक जो है पैन ले लिया, इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है, मैं आइडिया से डाल रही हूँ, आप जो है 4, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि ऑयल को वो उसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए जो ऑयल चाहिए उतना ही ऑयल, हो सकता है कुछ लोग बहुत कम नॉन स्टिक पैन है तो कम ऑयल यूज करते हो, आपको जूसी रखने के लिए आपको थोड़ा सा ऑयल देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ग्रिल पे भी कर रहे होते हैं तो भी हम थोड़ा सा ऑयल की ब्रशिंग बिल्कुल हल्की सी करते हैं। बिल्कुल जी, जैसे हम खुद अपनी ब्रशिंग करते हैं तो और ज्यादा ब्यूटी एनहांस हो जाती है, आपकी ब्यूटी ग्लो आ जाता है। एग्जैक्टली, हम जो है पैन थोड़ा सा ऑयल गर्म हो तो फिर मैं इसको ऐड करती हूँ। अच्छा, आप ये पूरा ग्रेवी के साथ बनाएंगी इसको, मसाले के साथ या फिर अलग अलग खाली? नहीं, अगर आप चाहें तो इसी बोटी को जो आपने मैरिनेट करके रखी है, अगर आपके पास स्क्यूवर्स हैं आप वो उसको एक एक पीस को लगा के स्क्यूवर्स और फ्राइंग पैन में आप ऑयल डाल के फ्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसे इजी इसलिए लगता है क्योंकि मैं चाहती हूँ इसका दही क्रीम मायनीज ये सब भी इसके अंदर फ्लेवर ग्रेवी आए, इसलिए मैं उसको ड्राई नहीं करना चाहती, वरना एक पीस हो उसके अंदर मैरिनेशन में तो सब चला गया, लेकिन वो जो वो सारा उसका टेक्सचर है ना वो मुझे अच्छा लगता है इसके पैन के अंदर। आप सारा एज इट इज जो है, मैं सारा एज इट इज, आप इजीली जो है रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, आप यानी कि अगर जिनको पास लोगों को भुना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ड्राई कहते हैं कि भाई गले में फंस रहा है तो साथ चाहिए होता है, बाज लोग ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए भी है कि अगर आपको ग्रेवी वाला खाना पसंद है, आप ड्राई नहीं खा सकते, आपके घर में पसंद नहीं किया जाता, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको बड़ा स्पून दूँ? जी प्लीज। अच्छा, मैं जब ये बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है इसका सारा मिक्सचर जाए, क्योंकि दही क्रीम और कितनी हेल्दी चीज़ें हैं। मेरे घर में कुछ भी बने ना तो ये एक साइड डिश हमेशा बन जाती है। अच्छा, ये इसको साइड डिश लेती है आप? मैं साइड डिश, क्योंकि देखिए ना दूसरी चीज़ें हैं जो वो नान के साथ खाई जाती हैं, जैसे कोई भी ग्रेवी वाला आप सालन बनाते हो ना वो नान के साथ खाया जाता है, लेकिन ये ड्राई आइटम वैसे ही बहुत मज़ेदार है। जी, आपको पता है मलाई बूटी आप जो है अगर खाली आप ड्राई बना रहे हैं तो आप उसका एज एन एपेटाइजर भी सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ, डिफरेंट सॉसेस के साथ, अप टू यू। चलें जी, ये देखें मलाई बोटी जो है वो तैयार हो जाएगी, और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं अचानक से जी, तो आप 2-3 घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रख दें, और जब गेस्ट आए तो आप उस वक्त भी बना सकते हैं। आई थिंक इट विल टेक लाइक हार्डली 15-20 मिनट्स। बिल्कुल, में आप उनको बहुत करेंगे और हेल्दी रेसिपी है, और सबसे बड़ी बात आप घर में बनाते हैं तो आपको हाइजीन कॉन्शियस है जो लोग उनको पता होता है, धुली हुई चिकन है, साफ सुथरे मसाले हैं, साफ सुथरे बर्तन हैं, ऑयल जो है वो अच्छी ब्रांड का है, तो आपको अगर हाइजीन कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है तो घर में ये चीजें बनाए, ट्राई करें, आपको बहुत मजा आएगा। आखिर में वही वाली बात आती है, घर का खाना आखिर फिर घर का खाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कुछ भी बनाए। बिल्कुल, आप ज्यादा जो है आउटडोर फूड लाइक करती है जाकर खाना या घर पे ही कुक करके? नहीं, मैं तो घर पे ही ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना, मेरे फैमिली में ही पसंद किया था, लेकिन मैं आउटडोर डाइनिंग भी करती हूँ क्योंकि मुझे शौक है खाने का, मेरी बच्चों को भी शौक है, ऑफ कोर्स मेरा भी कभी कभी दिल चाहता है कि मैं भी बाहर का खाऊं, अपने हाथ का खा खा के। नॉट वंस इन अ ब्लू मून, आई एम अ फूडी, या एग्जैक्टली, आई एम अ फूडी एंड आई लव फूड एंड आई लव टू ईट आउट, तो मैं तो पसंद करती हूँ। भाई एक दिन मेरी भी छुट्टी होनी चाहिए यार घर में। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हक है। सही, अच्छा चलिए, कितना टाइम है अभी इसको? टाइम है, हाँ इसको गलने में थोड़ा टाइम है, मैं कोशिश करूंगी ये जल्दी गल जाए, और अगर ढक दूंगी ना तो मसाले और जल्दी से अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे। सही, जब तक हम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि वक्त हो गया है, इस वक्त छोटी सी ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए रिवायतों की लज्जत।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और हम बना रहे हैं बहुत ही डिलिशियस सी मलाई बोटी जिसको हमने दम पे रखा हुआ है अभी, वो जो पक रही है अभी. ठीक है, मीनवाइल हम कुछ सवालात कर रहे थे अलवीना से ब्रेक में, हम ऐसे जस्ट गपशप कर रहे थे तो मैंने पूछा, मैंने कहा अलवीना से पूछूं कि आपके मियाँ को खाना बनाने का शौक़ है, बनाते हैं? मियाँ को खाना खाने का बहुत शौक है और मुझसे बनवाने का बहुत शौक है. अच्छा, फरमाइशें करते हैं वो? बहुत ज़्यादा. हमारी नानी और दादी कहती थी अक्सर, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहा करते थे कि अगर मियाँ का दिल जीतना है ना, सबसे पहले अच्छे खाने बनाना सीखो, गोल रोटी बनाना सीखो, क्योंकि दिल का कनेक्शन डायरेक्ट पेट से. ये बात बिल्कुल सच है. आप कोई भी चीज़ दे दो, किसी तरह भी कोई भी खिदमत करके खुश कर लें, वो खुश नहीं होते. अच्छा खाना बना दें. अच्छा मैं तो ऑफिस में हूँ ना, तो कहेंगे यार थोड़ा सा ये काम करते हुए आऊँगा, तो क्या बनाया तुमने, मैं उनकी फेवरेट डिश का नाम लूँगी, वो कहेंगे अच्छा यार वहाँ कल चला जाऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ जल्दी. मतलब इतने शौकीन है खाने के कि उन्होंने मुझे जो है ना शेफ बना दिया. अरे जबरदस्त. नहीं वाकई आप खाना बहुत अच्छे बनाती हैं माशाल्लाह से. और अब थोड़ा सा चिकन, चिकन थोड़ा सा गलने के करीब होगा ना, तो मैं इसमें हरी मिर्ची डालूंगी. ये गार्निशिंग भी हो जाएगी इसकी और इसका फ्लेवर भी इसमें चला जाएगा. ठीक है, मैं आप हरी मिर्ची काट रही हैं ना? जी बिल्कुल. अच्छा सिर्फ कट लगाऊंगी इनको ताकि ये ऑयल में फटे तो वो पूरा ना उसका. आप इसको कैसे करेंगे दिखाइए ताकि फिर हम रेसिपी कार्ड की तरफ जाएंगे. अच्छा, आपने नोक वाली छुरी लेनी है, मिर्च पकड़ी आपने इसके यहाँ तेल से, आपने सिर्फ एक साइड पे इसको कट लगाना है, सेंटर से आपने स्लिट लगाना है. बिल्कुल आपने ये काटना है, क्योंकि देखिए मैं जब छोटे छोटे आप पीसेस में काटते हैं ना तो समटाइम खाने में आती है, कोई मिर्च नहीं पसंद करता, तो वो इससे पहले कि वो स्प्लिट करे तो उससे बेहतर है आप ये मिर्च डालें, जिसको पसंद होगा वो अपनी प्लेट में निकाल लेगा. ये अच्छा तरीका है. तो मैं जी मैं हमेशा हरी मिर्चें मैं यूज करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ लाल मिर्चों से ज्यादा हरी मिर्च यूज की जाए, खुशबू भी अच्छी होती है और तेजी भी, तीखापन इतना नहीं होता. चले जनाब, जब तक हम यहाँ पे मलाई बोटी को रेडी कर रहे हैं, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप. मलाई बोटी: अज्जा, चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, दही 4 खाने के चम्मच, क्रीम 4 खाने के चम्मच, मेयोनीज 3 खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका, हरी मिर्च पिसी हुई 5 अदद, गरम मसाला 2 चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच. तरकीब: चिकन में तमाम मसाले लगाकर चिकन को 2 घंटे के लिए या रात भर के लिए रख दें. इसके बाद 4 चम्मच तेल में चिकन को फ्राई करें. जब चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो इसको सर्विंग प्लेटर में निकाल कर गार्निश करें और सर्व करें. जी जनाब, आई एम श्योर रेसिपी कार्ड जो है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा. वैसे बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है, लेकिन मेजरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपका फ्लेवर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है. तो जनाब आप बताइए अब क्या ऐड करेंगी जी आप? बस अच्छा, जैसे ये डिश रेडी होने वाली हो, 2-3 मिनट पहले आपने गरम मसाला डालना है. एक गरम मसाला बिल्कुल आखिर में ऐड करना है. बिल्कुल लास्ट में 1 टीस्पून. ठीक है, मैं इसमें सिर्फ गरम मसाला ऐड करूंगी. देखें बहुत अच्छा सा इसका लुक आ गया, सही अच्छा खुशबू भी आना शुरू हो गया. बिल्कुल अच्छा, इसमें आप चाहे तो आखिर में आप कोयले का दम भी दे सकते हैं. बिल्कुल वो अच्छा बिल्कुल अच्छा. बस मैंने इसमें गरम मसाला मिक्स किया, अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी. अच्छा बस दैट्स इट. अच्छा देखें, थोड़ी मसाले वाली जैसे आप कह रही थी कि मसाले वाली बनी है, ग्रेवी है, आप नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ इजीली. इसको ड्राई वाली का ये होता है कि वो थोड़ी देर अगर पड़ी रह जाए, ठंडी हो जाए तो बिल्कुल और ड्राई हो जाती है. ये है कि अगर आप थोड़ी देर बाद भी अगर खाएं ना इसको, तो क्रीमी क्रीमी गर्म करें, बहुत जबरदस्त टेस्ट आ जाता है. सही बिल्कुल जबरदस्त. मैं आपको डिश दूँ जी? बिल्कुल डिश आउट करेंगे. आपकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है. अब हम इसे ऑफ करते हैं और इसे निकाल लेते हैं. थैंक यू, वेलकम. अच्छा खाने की लज्जत के साथ साथ उसका लुक भी जब तक अच्छा ना, मज़ा नहीं आता. लुक और खुशबू बहुत मैटर करती है कि आप इतना घर में आप एंटर में पूरा घर में जो है, और हम बात भी करते हैं कि पूरे घर में और मोहल्ले में खुशबू फैली हुई होती है. कुछ ट्रेडिशनल फूड ऐसे हैं कि वो तीसरे घर में भी बन रहा हो ना, तो 2 घरों छोड़ के उसमें खुशबू आती है, पता चलता है वो क्या बन क्या बन रहा है. कह रहे हैं ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके गली मोहल्ले में जो भी बन रहा है, और कुछ अगर आपको पता होता है रिवायती खाने बन रहे हो, सबको पता चल जाता है कि जनाब आज फलाने घर में जो है वो ये बना है. और सब्जियां बहुत ज़रूरी है, वो खानी चाहिए, वो बहुत हेल्दी भी होती हैं. आप उनकी खुशबू से पता करें कि देखिए कितनी खूबसूरत, अच्छी ज़बरदस्त खुशबू के खुद ही भूख लगना शुरू हो जाती है. वाओ, अब जैसे इसकी खुशबू से हमारा दिल चाह रहा है कि हम खाना शुरू कर दें. अच्छा इसकी वैसे ही माशाल्लाह देखें लुक इसका इतना अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें क्रीम है उसको गार्निशिंग के तौर पे करूंगी. सही, गार्निशिंग ज़रूरी है. अच्छा मुझे तो बहुत क्रीम डाल के खाना पसंद है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लगता है इसका क्रीमी क्रीम सा. आप इसे यूँ थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे. चलें जनाब, ये देखिए मलाई बोटी जो है वो रेडी हो चुकी है.
बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बहुत टेम्पटिंग है, बहुत डिलिशियस है. थैंक यू सो मच एल्विना वंस अगेन कि आपने एक और हमारे साथ अपनी एक ज़बरदस्ती रेसिपी जो है वो शेयर करी. एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स आपका भी कि आप हमें इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, हमारे शो को इतना पसंद करते हैं और आपकी रिक्वेस्ट आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो बनाना सिखाएं आपको. अगर आपके पास भी आपकी कोई रिवायती रेसिपी है जो आप हमारे साथ या हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा. हम आपको अपने शो पर इन्वाइट करेंगे और आपको ये प्लेटफॉर्म देंगे कि आप अपनी रेसिपी जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें. इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म. फिर मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड, एक नई रेसिपी और एक नए गेस्ट के साथ. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट गुड एंड फील गुड. अल्लाह हाफ़िज़.